जो सपने आप देखते हो कि संदीप सर को सुनते थे, उनके साथ बैठ रहे हैं आज, आप समझ रहे हो? तो इट्स लाइक कि कोई भी चीज बड़ी नहीं है, बस सब छोटा लगने लग जाएगा एक समय के बाद। आपको भी कोई सपना लग रहा होगा कि यहाँ बैठना, वो पाना, IIT, IIM, खुद का मिलियनर बनना, बिलियनर बनना, खुद की परिवार की पहली BMW मर्सिडीज लाना, माँ बाप को विदेश घुमाना, फ्लाइट में घुमाना, सब काम करोगे ना, सब आसान हो जाएगा। तो वो ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी जो उस समय लगता था कि, आप समझ रहे हो, पैसेज ऑफ टाइम, आपकी सब चीज पूरी हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं होती, बस सोचो आप। पहली बात तो ये, तो हिंदुस्तान में मोटिवेशन शब्द का कोई सिनोनिम है बॉस, तो वो इधर इंसान मेरे बाजू में बैठे हैं। क्योंकि हमारा देश ना, हम लोग ना बड़े मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब मिडिल क्लास, ये सर भी मिडिल क्लास ही है, मैं सबको बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना। हम लोगों के सपने बड़े, हमारे बहुत ज्यादा, हमने इतने साल मतलब गुलामी झेली, हमने अंग्रेजों की, हमने बहुत सारी परेशानियां झेली, बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े धंधे वाले लोग, धंधे सेटी, हम गरीबों को उन्होंने देखा, बड़ा बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए करा, किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना सकते हो। 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है संदीप सर, पर 125 करोड़ लोगों के पास अपनी पहचान नहीं है। तो वो पहचान देने का काम, वो पहचान देने का काम ये भैया ने चालू किया कि अपना कुछ करो, रेडी चालू करो, क्योंकि दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है खुद की चाय की दुकान। पर ये स्वीकारना जरूरी है कि इज्जत देना सीखो। अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको बड़ा किसी पैसे वाले की इज्जत करना है, तो पहले उसकी इज्जत करोगे तो आप भी डिजर्व करोगे। आप कोई अमीर बन गया, कोई फेमस हो गया, उसकी अगर बुराई कर रहे हो तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हो इंसान बनना। एम आई राइट और रॉन्ग? जर्नी रही है उसमें आपने बहुत डाउन्स ज्यादा देखे इंस्टेड ऑफ अप्स, तो सर एक हैप्पीएस्ट मोमेंट बताइए जो आप चेरिश करेंगे, लाइक कि वो हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी जिंदगी में आ गया, बट उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब तो जो भी हो जाएगा वो कर देंगे बस सर। बहुत डाउन ही डाउन देखे, हाँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, अच्छे परिवार से होना, डिग्रियां लेना, फिर क्यूबिकल लाइफ की जिंदगी छोड़ छाड़ के चाय का ठेला रोड साइड पर डालना। आज आपको बोलूंगा कि पानी पूरी के ठेले पे, पानी पूरी के बाद पपड़ी लेने के बाद आदमी नहीं रुकता है, सूखी पपड़ी मिल जाती है उसके बाद नहीं रुकता है, क्योंकि गंदगी है, धूप है, वहां पर मैंने 2.5 साल बिताए। तो डाउन ही डाउन थे। MBA चावला जब नाम रखा था, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, यही MBA करके चाय बेच रहे, अरे इनकी हालत देखो देश की। तो वहां पे मैं बहुत सारी इवेंट्स करता था, तो वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक मार्केटिंग गिग खेला पूरे इंडिया में, फ्री चाय टू सिंगल्स करके। संदीप सर, मैंने बोला कि अगर आप सिंगल हो, मेरी चाय की दुकान पे हो, मेरे ठेले पे, आई विल गिव यू फ्री चाय, आई विल मेक इट। 2500-3000 लोग आ गए उस दिन। मुझे लगा कि बॉस अब तो मेरी गाड़ी, सिर्फ लड़के आए, लड़कियां भी, लड़कियां भी आई बॉस, और अच्छी सुंदर कन्याएं आई